तो अभी बज गया है सुबह का 10, लेकिन मौसम देखिए दिल्ली का, मतलब कितना ज़्यादा फॉग फॉग सा हो रहा है। मतलब इस बार लग रहा है कि बिल्कुल ठंड बहुत ही जल्दी आ जाने वाला है। तो बारिश देखिए पूरा चारों तरफ कितना गंदा दिख रहा है एंड पूरा गीला गीला मिट्टी। अब थोड़ा बहुत धूप आने लगा है, अच्छा लग रहा है। मतलब कम से कम 5-6 दिन के बाद ही धूप आ रहा है। दिवाली, तो दिवाली के लिए साफ़ सफाई मैंने शुरू कर दी हूँ। ये देखिए सारे कपड़े आधा अधूरा मैंने निकाल के रखी हूँ एंड कंटिन्यूसली बारिश हो रहा था तो कपड़ा का ढेर देखिए कितना हो गया है। क्योंकि एक बार कपड़ा धो तो 3-4 दिन सूख रहा है, तो मेरा बिल्कुल लॉन्ड्री बैग भर गया है। अभी धीरे धीरे इसको डालना है, देखती हूँ अगर आज धूप आएगा ना 2 बार चला दूँगी। एंड अभी मैं चल रही हूँ मेरे हस्बैंड के कबोट, देखिए मैंने क्या हाल बना के रखी हूँ। मतलब ये नहीं, ऐसे मत सोचिए कि ये इतना ही गंदा था। मैंने एक्चुअली क्या है ना, अभी कुछ कुछ कपड़े कुछ कुछ चीज़ें ऐसे रखी हूँ, अब धीरे धीरे मैं साफ़ करूँगी एंड जिसको समेट के रखना है ऊपर उसको भी रख दी हूँ मैं। ये देखिए चलिए मैं क्लीन करती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ आज बने रहिए। लाइट बंद करो, घर कितना अंधेरा सा लग रहा है। ये देखिए थोड़ा बहुत अभी, ये देखिए बाहर देखिए बिना लाइट का कितना अंधेरा सा लग रहा है। कोई नहीं, अभी घर का साफ सफाई चल रहा है, उधर कपड़े इधर कपड़े आपको मिलेगा। मैं फटाफट कपड़ा साफ कर लेती हूँ कबोर्ड। तो हेलो गाइस, तो अभी कपड़े वगैरह मैं साफ करने के लिए डाल दी हूँ। जितना भी कपड़ा समेट रही थी कबोर्ड में वो सब आधा की हूँ, आधा इधर खाना पीना बना के। देखिए पूरा किचन क्लीन है। अभी थोड़ा सा कपड़ा देखिए चल रहा है, ये देखिए। एंड इधर भी आधा कपड़ा मैंने सुखाई हूँ क्योंकि सूख बिल्कुल भी नहीं रहा है। अभी टाइम हो गया है आर्या को लेने के लिए जाना है, तो मैं नीचे जाती हूँ, नीचे जाकर मिलती हूँ। मुझे थोड़ा बहुत कुछ सब्जी भी लेना है, तो फिर लेकर मैं फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। ओके, इतने दिन के बाद अभी आज थोड़ा धूप आया है। ये देखिए थोड़ा बहुत धूप आया है इतने दिन के बाद। अब मैं नीचे जाकर ना आप लोगों के साथ मिलती हूँ। देखिए मैं लिफ्ट के लिए वेट कर रही हूँ, आ जाए फिर मैं नीचे जाकर मिलती हूँ। डर लग रहा है ऐसे बस में आ जाए, इसलिए उधर से बस आने लगा है। तो चलिए मैं जाकर नीचे मिलती हूँ आप लोगों से। कपड़ा का पूरा ढेर लगा है, सुखा ली हूँ सारा। ओके, ये वाला एक लेमन ट्री वाला पेड़ था जो कि थोड़ा सा ख़राब हो गया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए तुलसी वगैरह वगैरह तो सब कुछ सही है। देखिए कपड़ा पूरा सुखा ली हूँ, आर्या भी आ गई है एंड मैं अभी आपको दिखाऊंगी। बर्तन भी रखना है कितना सारे, देखिए पूरा धो के रखे हैं। टोकरी में इसको रखना है एंड मैं अभी आप लोगों को एक रेसिपी शेयर करूंगी, आप लोग बने रहिए। एंड मेरे को ना ये वाला वीडियो मैं देख रही थी टीवी में, बहुत ही अच्छा लगता है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको और आर्या के साथ भी मिलाती हूँ। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड टेस्टी सा रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग बहुत कुछ कोरमा खाए होंगे, आज मैं आप लोगों को एक कोरमा बना के दिखाने जा रही हूँ। तो एक कोरमा के लिए सबसे पहले प्याज को काट के मैं इसे तल लूँगी अच्छे से, जैसे बरिश्ता बनाते हैं बरिश्ता बना के मैं रख दूँगी। तो दूसरे साइड में मैं एक को बॉईल कर ली थी, इसमें थोड़ा हल्दी थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डाल के मैं इसको हल्का सा ऊपर एक कोट आने तक लाल लाल एंड क्रंचीनेस, उसको हम लोग थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मसाले प्रिपरेशन करेंगे। तो देखिए एक भुन गया है, मसाले में मैंने क्या क्या ली हूँ, ये देखिए प्याज भी भुन गया था, मैंने उसको साइड करके रख दी हूँ। तो ये ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे, लास्ट में पीसेंगे जीरा बाकी सारा खड़े मसाला। इसमें थोड़ा इलायची का क्वांटिटी ज़्यादा डाल के तो इसको हम लोगों को ऑयल में मिक्स करना है। थोड़ा सा आधे बाउल दाल दही ली हूँ, तो एक टमाटर अदरक लहसुन आधा लहसुन और को मैं यहाँ पे अदरक के साथ कूटूंगी और मतलब क्रश कर देंगे, और बाकी आधा को ऐसे पूरा ही क्लोव्स डालेंगे और हरी मिर्च और धनिया पत्ता। दही में हम लोग क्या क्या मिक्स करेंगे, सारे सूखा मसाला जैसे कि हल्दी नमक धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को ऐड करके मैं इसको अच्छे से मिक्स करके रख दूंगी, ताकि दही जो वो ग्रेवी में डालने से वो फटेगा भी नहीं
एंड वो बहुत ही अच्छा भी लगता है, टेक्सचर जो है उसका अच्छा लगे और मसाला जलेगा भी नहीं। तो ये देखिए तेल गरम हो गया था, तो इसमें मैंने डाल दी थी जीरा, बाकी सारे खारे मसाले, उसमें लाल मिर्च एक सबूत मैंने ऐड कर दी थी, अदरक लहसुन को मैंने कूट के डाल दी, इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं। अब इसको हल्का सा थोड़ा सा कच्चा स्मेल जाने तक फ्राई कर लेंगे, यानी 1 से 1.5 मिनट। उसके बाद हम लोग टमाटर ऐड कर देंगे इसमें। टमाटर सॉफ्ट होने के बाद बाकी सारे मसाले मैंने जो रखे थे उसको दही के साथ मिक्स करके ऐड कर देंगे। अभी देखिए इसमें मैं दही के साथ जो मिक्स करके रखी थी सारे मसाले इसमें ऐड कर दी। इसको भी अच्छे से हम लोग भुनेंगे। ये थोड़ा सा भुन जाए तो इसमें आधा भुने के समय हम लोग जो सबूत वाला गार्लिक का क्लोव्स रखे थे उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। इसको क्लोव्स को हम लोग इसीलिए लास्ट में ऐड करेंगे ताकि वो क्या है ना ज़्यादा पके नहीं, यानी मिक्स ना हो। तो अभी इसे देखिए मिक्स कर देंगे, कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे, वो जो प्याज को मैंने यानी बरिश्ता हम लोग बना के रखे थे उसको मैंने पीस के रखी थी, उसको ऐड कर देंगे इस कोरमा में। इसी का ही फ्लेवर आप लोगों को बिल्कुल रेस्टोरेंट कोरमा जैसा टेस्ट देगा, तो इसको ऐड करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड ज़रूर इसको एक बार ट्राई करिए, ट्रस्ट मी ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इस हिसाब से पनीर भी बना सकते हैं, लेकिन पनीर आप हमेशा पूरा मसाले होने के बाद ही लास्ट में ऐड करना। अगर आपको चाहे थोड़ा सा हल्का सा शैलो फ्राई आप कर सकते हैं पनीर को, ये पनीर के साथ भी अच्छा लगता है। तो इसमें ग्रेवी में आप थोड़ा हल्का सा कोई भी काजू वगैरह आप ऐड नहीं करना, दही का क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा देना एंड टमाटर का। तो चलिए देखिए मेरा ग्रेवी बन गया। अभी स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक मैं ऐड कर दूंगी एंड पानी दे देंगे हमें जितना ग्रेवी के लिए चाहिए। एंड इसमें थोड़ा सा पानी उबालने के बाद एक ऐड कर लेंगे उसमें। And I'd just rather move it along. Got both feet but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it along. I know how you're feeling, 'cause sometimes I do tight. तो ये देखिए हमारा सब्जी बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। आप इसको जो लोग नॉन वेजिटेरियन है चिकन मटन के साथ ट्राई कर सकते हैं, एंड जो लोग वेजिटेरियन है वो लोग पनीर के साथ ट्राई कर सकते हैं। तो आप इसको चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ, कभी किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। आज का रेसिपी अगर आप लोगों को मेरा अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अभी आप लोगों के पास रेगुलर वीडियो आएगा क्योंकि आगे को आ रहा है दिवाली। मैं रोज़ अभी वीडियो छोड़ूंगी कम से कम अल्टरनेटिव डे में। तो चलिए देखिए मैं सर्व कर दूंगी इसको। आज थोड़ा सा कहते हैं ना कभी कभार मन करता है थोड़ा सा सजा के खाने के लिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये जो मैं आधा अधूरा काम छोड़ के रखी हूँ कबोर्ड ठीक करने का, आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करी हूँ। और मैंने कपड़ा कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, दिवाली आ रहा है, आप लोगों के बहुत काम का वीडियो है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अभी के लिए बस विदाई दीजिए।